बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट सॉल्वेंस अकेला है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट का टेस्ट था। 2022 में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द बास्केटबॉल ऑफ वॉल्यूम 6400 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने रेडियस मालूम करना है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जो हमें चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं। हम कह देते हैं ये है 6400 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस। हमें इसको आर कह देते हैं, ये हमें फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल का जो फार्मूला होता है वो ये है। उसका फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू 4/3 πr³। ये फार्मूला होता है। यहाँ से हमें आर मालूम करना है तो ये सारी चीज़ें इज इक्वल टू की इस तरफ आ जाएंगी। ये 3 नीचे है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × v हो जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और पाई भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू हमें बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो रह जाएगा आर क्यूब रह जाएगा, ठीक हो गया। अभी हमें क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है। तो 3 × v हमें दे रखा है, कितना 6400 लिख लेते हैं, और नीचे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 3.14 हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू आर क्यूब है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1528.366 इज इक्वल टू आर क्यूब। हमें ये क्यूब हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ आर मालूम करना है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं 1528.66। यहाँ हम दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेते हैं, इधर भी क्यूब रूट ले लेते हैं। अब ये यहाँ से ये क्यूब रूट और ये क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर रह जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे तो क्यूब को हैंड राइटिंग यानी कि बाई हैंड सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर पॉइंट्स में आ जाए। अगर सिंपल वैल्यूज आ जाते हैं तो सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर 2³ आ जाती है और यहाँ पे हम इसका 3³ रेटिंग लेते तो हमारे पास 2 रह जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आई है पॉइंट्स में आई है, इसको थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है। वैसे अगर आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.52 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर कौन सा है, आंसर बी हमारा राइट आंसर है। ये मेरे फेसबुक चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे तो डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाई है, 2022 में जितने भी पेपर कंडक्ट हो तमाम की वीडियोज़ मैंने उस प्लेलिस्ट में दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक का पेज है, आपको तमाम यूट्यूब की वीडियोज़ फेसबुक पर भी मिल जाएंगी। ये मेरी इंस्टा की आईडी है, कोई भी इशू आता है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।